नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं रुपया हूँ, मेरा नाम रूपा है। मैं हूँ आपकी तरक्की का जरिया। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से खर्चे आमदनी का हिसाब रखा जाना चाहिए। मैं हूँ राजू, मैंने बांस का व्यवसाय शुरू किया है। बहुत खूब राजू, आदमी को अपनी तरक्की के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। देखो, व्यवसाय में हमेशा खर्चे आमदनी का पक्का हिसाब रखने से ही होने वाले फायदे नुकसान को तुम समझ सकते हो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम नुकसान में हो या फिर फायदे में। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, लेकिन पैसे का हिसाब किताब किस प्रकार रखा जाए? अब देखो, चाहे घर में रोज होने वाले खर्चे हों या फिर अपने काम धंधे में होने वाले खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब रखा जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल दीदी, अब हमें आमदनी और खर्चे के बारे में विस्तार से बताओ। देखो, आमदनी का मतलब है कि हमने जो सामान बनाया है उससे हमने कितना कमाया, और खर्चे का मतलब है उस सामान बनाने में हमारी लागत कितनी है। अच्छा, जैसे मैंने बांस की कुर्सी को 1000 रुपए में बेचा तो मेरा मुनाफा 1000 रुपए हुआ? नहीं राजू, इसमें तुम्हारा खर्चा भी तो है। 1000 रुपए तो तुम्हारे पास आए हैं, पर इस काम में तुम्हारी आमदनी कितनी हुई, इसको जानने के लिए पहले तुम्हें इसकी लागत को जानना जरूरी है। मान लो कि तुमने बांस की कुर्सी बनाकर बाजार में 1000 रुपए में बेचा। इसे बनाने के लिए तुमने 100 रुपए का बांस खरीदा, फिर तुमने अपने हुनर से 4 से 5 दिन का मेहनताना लगाकर कुर्सी को बनाया, फिर तुमने उसे अच्छे रंग से रंगा। इस तरह के सभी खर्चे को जोड़ो। इस तरह से मान लो कि सब मिलाकर तुम्हारे खर्चे 600 रुपए हैं, तो तुम्हारी बचत 400 रुपए हुई। ये 400 रुपए ही तुम्हारी बचत या मुनाफा है। इसी तरह मान लो अगर तुमने 1000 रुपए में कुर्सी बेची पर इसे बनाने की लागत ही 1200 हो, तो इसमें तुम्हें 200 रुपए का घाटा यानी कि नुकसान है। अच्छा दीदी, आपने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है। बिल्कुल राजू, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आमदनी को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अच्छा दीदी, तो मैं बांस के काम में अपनी आमदनी बढ़ा भी सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जल्दी जल्दी बताइए ना दीदी, मैं कैसे अपनी आय बढ़ा सकता हूँ? मैंने तुम्हें अभी खर्चे और आमदनी दोनों के बारे में बताया है। अब अगर तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ानी है तो तुम्हें अपने खर्चे कम करने होंगे। दैनिक खर्चा कम करना भी एक आय ही है। अच्छा दीदी, पर ये होगा कैसे? देखो राजू, सबसे पहले तो अपने खर्चे को तुम लिखना शुरू करो। हर 15 दिन पर उस खर्चे को दोबारा फिर से देखने की आदत डालो। इससे क्या होगा दीदी? इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से आवश्यक खर्चे थे और कौन से अनावश्यक, मतलब ऐसे खर्चे जो अगर तुम नहीं भी करते तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा दीदी, तो दोनों तरह के खर्चे के बारे में तो बताइए कुछ। देखो राजू, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमें निवेश को भी एक जरूरी खर्च समझना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य बहुत हद तक अपने चारों ओर की साफ सफाई पर भी निर्भर करता है, इसलिए इन सब पर होने वाले खर्चे जरूरी हैं हमारे लिए। परंतु इनके अलावा होने वाले खर्चों में ज्यादातर अनावश्यक ही होते हैं। चौपाल पर बैठकर बीड़ी पीना, गुटखा खाना, घर में खाना होने के बावजूद बाहर खाना, अनावश्यक रूप से बाहर घूमने जाना आदि अनावश्यक खर्चे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, उनमें कटौती करके हम कल के लिए मजबूत भविष्य बना सकते हैं। दीदी, आपने बड़े पते की बात कही है। देखो, पैसे कमाने के साथ इसे कल के लिए बचाकर रखना भी जरूरी है, और ये तभी संभव है जब हम अपने खर्चों को लिखना शुरू कर अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। हमें आमदनी और खर्चे दोनों का बराबर हिसाब रखना चाहिए। इसके लिए तुम एक आर्थिक डायरी बनाओ। ठीक है दीदी, लेकिन मैं आर्थिक डायरी कैसे बनाऊं? देखो राजू, अपनी डायरी में खर्च को 3 भागों में बांटो। एक में लिखो जरूरी, दूसरे में इच्छा और तीसरे में अनावश्यक। एक बार ये पता चल जाएगा तो तुम अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखो, आज की बचत ही कल की कमाई है। सही कहा दीदी, मैं तो चला अपना हिसाब किताब लिखने और तरीके ढूंढने
जिससे मैं अपनी आमदनी बढ़ा सकूं। शाबाश,